वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अरे व्लॉग शुरू करते करते ये मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारे रेलवे स्टेशन पे इतना कचरा, सब जगह कचरा ही कचरा है और कुछ नहीं। तो ये रहा आज की हमारी इंजन WDP40D। तो बता देता हूँ, मैं जा रहा हूँ कर्नाटक एक तुलसी का शादी अटेंड करने के लिए। बस एक आध दिन का ट्रिप है बस। अब धीरे धीरे आपको इस चैनल पे एक से एक ब्लॉग देखने मिलेंगे। तो क्या कर रहे हो, जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन दबा दो। और क्या, तो अभी हम पहुंचे हैं चिपलून। जस्ट मैंने अभी अभी यहाँ पर गरम गरम वड़ा पाव खा लिया है। चिपलून का वड़ा पाव 20 रुपीस। चिपलून का वड़ा पाव इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन काम चल जाता है थोड़ी देर के लिए। तो ये रहा तेजस एक्सप्रेस जिसको आया है। तो चलो अभी हम लोगों को सिग्नल मिल चुका है निकलने के लिए। तो अभी हम हैं रत्नागिरी और हमारे सामने से एक ट्रेन आ रही है। अब क्या आपको पता है WD का मतलब क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कर देना, उसका जवाब आपको कमेंट में मिल जाएगा। पता नहीं सामने से कौन सा ट्रेन आ रहा है, लेकिन जो नज़ारा दिख रहा है वो अल्टीमेट है। सब सो रहे हैं ट्रेन में और बस यहीं का लाइट चालू है। तो अभी हम पहुंचे हैं मडगांव जंक्शन और करीब सुबह के बज चुके हैं 3:30। वैसे तो ट्रैवल करके बहुत मज़ा आया। मैं पूरा मतलब मैं सो गया था ट्रेन में, तो मुझे कुछ पता नहीं चला। वहां से क्या सनराइज हो रहा होगा। तो अभी यहां से एक ट्रेन पास होने वाला है, बैंगलोर से कारवार, पंचगंगा एक्सप्रेस। पंचगंगा एक्सप्रेस
और अभी हम लोग हैं मुरेश्वर में, बस और थोड़ी सी जर्नी बची है मेरी, इसके बाद मेरा स्टॉप आ जाएगा। जब भी ऐसा कोई अनाउंसमेंट होता है तो सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अगर आप देखोगे वहाँ सनराइज़ हो रहा है और यहाँ पर इतना अच्छा नज़ारा, सामने से एक ट्रेन आने वाला है, और क्या ही चाहिए। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो आपको बर्ड का आवाज़ भी सुनाई देगा यहाँ पर, और शांति बहुत है यहाँ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।